सब सुख रहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षा काहू को डरना। जो हनुमान जी के शरण में चला जाता है और संसार के सभी सुखों को भोग लेता है और उस पर उसको किसी तरह का भय रह जाता है, निर्भय हो जाता है। तेरे द्वारे आए चोला भी चढ़ाएंगे, तेरे द्वारे आए चोला भी चढ़ाएंगे, तेरी सेवा करेंगे हम तुझको मनाएंगे, तेरी सेवा करेंगे हम तुझको मनाएंगे, तेरे द्वारे आए चोला भी चढ़ाएंगे, तेरे द्वारे आए चोला भी चढ़ाएंगे, तेरी सेवा करेंगे हम तुझको मनाएंगे, तेरी सेवा करेंगे हम तुझको मनाएंगे। मंगल को भी आएंगे, शनिवार को आएंगे, मंगल को भी आएंगे, शनिवार को आएंगे, तेरे दर्शन से बाबा हम हर सुख पाएंगे, तेरे दर्शन से बाबा हम हर सुख पाएंगे, तेरे द्वारे आए चोला भी चढ़ाएंगे, तेरे द्वारे आए चोला भी चढ़ाएंगे, तेरी सेवा करेंगे हम तुझको मनाएंगे, तेरी सेवा करेंगे हम तुझको मनाएंगे। जय सियाराम, सब सुख रहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आज हम लोग दिल्ली के कनॉट प्लेस के एक प्राचीन हनुमान मंदिर में उपस्थित हैं और आज हम लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं। हनुमान जी की महिमा के क्या कहने, वह तो हर सुख की प्राप्ति कर देते हैं जब भक्त उनको दिल से पुकारे। तो आइए हम लोग आज प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन करते हैं और ये दिल्ली के कनॉट प्लेस में उपस्थित है ये मंदिर और हम लोग चलते हैं अब दर्शन। मान्यता अनुसार प्रसिद्ध भक्तिकालीन संत तुलसीदास जी ने दिल्ली यात्रा के समय इस मंदिर में भी दर्शन किए थे, तभी उन्होंने इस स्थल पर ही हनुमान चालीसा की रचना की थी। तभी मुगल सम्राट ने उन्हें अपने दरबार में कोई चमत्कार दिखाने का निवेदन किया, तब तुलसीदास जी ने हनुमान जी की कृपा से सम्राट को संतुष्ट किया। सम्राट ने प्रसन्न होकर इस मंदिर के शिखर पर इस्लामी चंद्रमा सहित किरीट कलश समर्पित किया। इस कारण ही अनेक मुस्लिम आक्रमणों के बावजूद किसी मुस्लिम आक्रमणकारी ने इस इस्लामी चंद्रमा के मान को रखते हुए कभी भी इस मंदिर पर हमला नहीं किया। कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर के निकट स्थित एशिया के सबसे बड़े फूलों के बाज़ार में पिछले 15 सालों से फूलों का बाज़ार भी लगता है। तो चलिए हम लोग अब मंदिर का दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं कि बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे काफ़ी सारे बाज़ार वगैरह भी लगते रहते हैं। और आइए अब हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं और दर्शन करते हैं हनुमान जी का। ये दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित है ये मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर। यहाँ से अब हम ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाते हैं चलिए और फिर यहाँ पर दर्शन करेंगे हम। तो अब हम इस मंदिर में आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी की एक मूर्ति है, तो आप इनके दर्शन कीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दुर्गा माता, यहाँ पे दुर्गा माता की फ़ोटो मतलब मूर्ति है, तो काफ़ी भव्य लग रहा है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मतलब मैंने पहली बार देखा है कि दुर्गा माता की कोई ऐसी मूर्ति हो। तो चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं
अब ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना सुंदर मंदिर यहाँ पे अंदर से दिख रहा है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये दिखता है कि सोने का है लेकिन ये सोने का नहीं बना है, ये पॉलिश किया हुआ है सोने का। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक और हनुमान जी की मूर्ति है। अंदर जो मेन हनुमान जी की मूर्ति थी वहाँ पे ले जाने नहीं दिया गया था, इसीलिए वहाँ पे हम नहीं ले पाए। तो आइए अब आरती हो रही है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घंटी वगैरह बज रही है और यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर तस्वीरें लगे हैं ऊपर हनुमान जी के। और चलिए अब हम लोग आरती का आनंद उठाते हैं और पूजा वगैरह करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग घंटी वंटी बजा रहे हैं और यहाँ पे पूजा चल रही है। बैठने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है यहाँ पे कि नीचे वगैरह हम बैठ के पाठ कर सकते हैं हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का कर सकते हैं। और यहाँ मतलब यहाँ पे तीन हनुमान जी की मूर्तियाँ हैं जो काफ़ी खूबसूरत है, मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ के मंदिर भी काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में, काफ़ी भव्य मंदिर है। जितना बाहर से खूबसूरत था उतना ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब खूबसूरत मुझे तो लग रहा है। और अब देखिए यहाँ पे घंटी वगैरह बज रही है और यहाँ पे देखिए अब लोग भी घंटी बजाना शुरू कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे अब पूजा हो रही है, मतलब अब आरती का जब समय आया है शाम के 6 बजे तब यहाँ पे आरती हो रही है। और वहाँ पे राम दरबार, भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी की भी एक मूर्ति है, बाल हनुमान की स्वयं भू प्रतिमा वहाँ पे है कि जब बाल हनुमान थे, जब छोटे थे हनुमान जी, जब बच्चे थे तो उनकी वहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। तो अंदर तो कैमरा ले जाना मना है इसलिए हम लोग वहाँ पे शूट नहीं कर पाए, लेकिन आपको यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कि राइट साइड में हनुमान जी हैं और यहाँ पे काफ़ी भी लोग हैं, भीड़ लगी रहती है हनुमान जी की। और यहाँ पे ये घंटी वगैरह बजा रहे हैं। तो अभी कुल मिलाकर आरती का भी समय हो रहा है तो हम लोग आरती अभी पूजा वगैरह कर रहे हैं। आरती के बाद यहाँ पे बहुत सारे मंत्रों का जाप किया जाता है, जैसे हनुमान जी के मंत्रों को, जैसे ये तो आपको हमेशा जाप करना चाहिए ये मंत्र कि कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तम से नहीं जाते डारो, बे ही हरो हनुमान महाप्रभु, जो सको संकट होए हमारो। ये आपको रोज़ मंत्रों का जाप करना चाहिए, इससे आपकी जो गरीबी होती वो है वो दूर हो जाती है, मतलब कभी गरीबी नहीं आएगी। तो इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं गायत्री माता हैं और यहाँ पे गणेश भगवान, फिर यहाँ पे गणेश भगवान और फिर काफ़ी सारे मतलब भगवानों की यहाँ मूर्ति लगी हुई है। हनुमान जी भी यहाँ पे उपस्थित हैं और श्री कृष्ण भगवान, मतलब यहाँ पे जो पंडित जी हैं ये जो घंटी वगैरह बजाते हैं। और ये जल होता है, जल छिड़कते हैं फिर उससे जो होता है मंदिर शुद्ध हो जाता है और जो बाहर से लोग आए होते हैं वो भी शुद्ध हो जाते हैं और उन पे जो कुछ गरीबी होती है यहाँ पर वो ज़रूर आएँ और उनका जो भी संकट हो उनका निवारण कर देते हैं हनुमान जी, उनको सॉल्व कर देते हैं। तो ये दिल्ली के कॉनॉट प्लेस में स्थित है, आप यहाँ पे ज़रूर आएँ दर्शन करने और यहाँ पे आपके सब संकटों का निवारण हो जाए। तो हम लोग आ गए हैं अब मंदिर के बाहर और हमने मंदिर का दर्शन कर लिया बहुत अच्छे से और अब अंदर बाहर मतलब देखने की बारी है। तो यहाँ पे मैंने जब देखा कि इतने सारे दुकानें हैं तो मतलब देख के मैं आश्चर्य में पड़ गई थी कि इतने सारे दुकानें कैसे हो सकती है एक मंदिर में। मैंने सुना था कि यहाँ पर 15 सालों से फूलों के बाज़ार लग रहे हैं, तभी तो मैं कहूँ कि यहाँ पर इतने सारे दुकानें कब से लग रही हैं, कैसे लग रही हैं और क्यों लग रही हैं। फूलों के बाज़ार तो सबसे ज़्यादा लगती है यहाँ पे, ये मैंने सुना है और मतलब यही देख के मैं आश्चर्य में डूब गई थी। और फिर यहाँ पे मतलब हर भक्त की वहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है, आप ज़रूर आएँ इस मंदिर में दर्शन करने। मंदिर तो अच्छा ही था और एक मैंने मंदिर में देखा है सबसे ज़्यादा कि यहाँ पे मंदिर में सिर्फ मिठाई की दुकान होती है लेकिन यहाँ पे तो भर भर के दुकान थी खाने पीने की, मिठाई वगैरह ख़रीदने की। तो आप तो मुझे वीडियो में देख ही सकते हैं कि मैं तो बहुत ज़्यादा दुकानों पर थी, मतलब कि घूम घूम के देख रही थी और मैं रिंग पहन के देख रही थी। आप मैं देख सकते हैं मैंने रिंग पहन पहन के दिख रही थी अंगूठे में। और मैं जहाँ भी जाती हूँ ना मेरी बहन मेरे साथ में लग जाती, मतलब वो भी पहन पहन के देख रही थी, मतलब उसने पूरे हाथों में पहन के रखा था रिंग और हम दोनों भी खेल रहे थे रिंग पहन पहन के। मुझे तो चाहिए था बट
मम्मी ने नहीं दिलाया। तो अभी बहुत मुझे अच्छा लगा यहाँ पर मंदिर में। तो प्राचीन हनुमान मंदिर है, आप ज़रूर इसका दर्शन करने आएँ। और मैंने भी यहाँ पे बहुत प्रार्थना की थी हनुमान जी से, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा YouTube चैनल देखते हैं और मेरे YouTube चैनल में मुझे सपोर्ट करते हैं। जय सियाराम।